Good morning students. In the last class we have discussed about double fertilization in angiospermic plants. So double fertilization mein we have studied that fertilization takes place two times, hai na? One male gamete fuses with the egg to form zygote and another male gamete fuses with the secondary nucleus to form kya? Endosperm. Kya karta hai? Haan, endosperm ka formation kar deta hai. So in this class we will discuss about only endosperm. Endosperm kaisa hota hai, uska structure kaisa hota hai and what are the types of endosperm. Dekhiye abhi bhi log aa rahe hain. So in this class we will discuss about the endosperm and their types. Apne copy aur pen ke sath aapko ready rahiye. सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड होता है एंड द एनिमल मेल गैमेट कैसा होगा? हैप्लॉयड होगा. तो 2n plus n इक्वल टू क्या होगा? 3n होता है. तो एंजियोस्पर्म में प्लांट्स के केस में एंडोस्पर्म कैसा होता है? ट्रिप्लॉयड होता है. चलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर पहले बना के आप लोगों को समझा देते हैं. आई थिंक आप लोग भूल गए होंगे घर पे बैठे बैठे. ये देखिए ये कहां पर हम बना रहे हैं. ये देखिए ये क्या है? ये देखिए ये एंथेल है ना. उसके बाद यहां ऐसे पेटल और जस्ट इधर एक सेपल हो जाएगा. ये मेन पोर्शन क्या है? ओवरी. ओवरी में क्या पाया जाता है? ओव्यूल पाया जाता है. तो ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम यहां पर बना रहे हैं. इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर पाया जाता है एम्ब्रियो सेल. ये देखिए थ्री सेल्स हियर एंड थ्री सेल्स आर थ्री न्यूक्लियस आर प्रेजेंट एट द अपोजिट एंड एंड इन द सेंट्रल पोजिशन आपको दिखता है सेकेंडरी न्यूक्लियस. ये क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस. ये क्या है? एंटीपोडल्स. और ये देखिए ऊपर वाली क्या है? ये एग सेल है. और ये दोनों क्या है? सिनर्जिक. क्या है? सिनर्जिक है. ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? दे फॉर्म एग एपरेटस. दे फॉर्म
एंटर। जब पॉलन को एंटर करता है, पॉलन को एंटर किया, एक मेल गैमेट फ्यूजेस विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड एंटर मेल गैमेट। आपको पता है कि वन पॉलन ग्रेन ऑलवेज फॉर्म टू मेल गैमेट्स एट अ टाइम। एक पॉलन ग्रेन से दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो एक यहां आ गया क्योंकि यहां पर एक है, एक से फ्यूज करेगा, जायगोट बनाएगा। दूसरा मेल गैमेट फ्यूजेस विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो यही दोनों फ्यूज करके क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म। यहां तक क्लियर है सबको? तो जनरली अगर एंडोस्पर्म की बात करें तो बेसिकली दे आर ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर, बट इन सम केसेस यू कैन ऑल्सो सी टेट्राप्लॉयड, पेंटाप्लॉयड और पॉलीप्लॉयड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म ऑल्सो इन द नेचर। Now we come to the types of endosperm. Types of endosperm, just make a reading. Types of endosperm. नेचुरली और जनरली दिखने से देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज, लिखते भी चलिए, द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, द सेकेंड वन इज सेलुलर एंडोस्पर्म एंड the third one is haloplasm endosperm। तीन टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं नेचर में। दे आर जनरली फॉर्म न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड द थर्ड वन इज haloplasm endosperm। एंड वी विल डिस्कस ईच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ रीडिंग, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेरे क्या लिए और स्ट्रक्चर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो डायग्राम इज क्लियर, इज द डायग्राम क्लियर टू यू? ठीक है, बता दीजिए। ये बन गया, इट इज नोन एज न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में, न्यूक्लियर टाइप का जो एंडोस्पर्म होता है, इसमें फर्स्ट एंड अदर डिविजन्स, यानी कि पहला डिविजन और बाकी सारे डिविजन्स कैसे होते हैं? दे आर नॉट accompanied by wall formation। यहां पर आपको division तो हो रहा है, nuclear का division हो रहा है, but it is not accompanied by wall formation। यहां पर आपको wall formation नहीं दिखेगा। हम कुछ cases में क्या होता है, बहुत बार की stages में जाकर के कहीं कहीं पर क्या हो जाता है, wall का formation हो जाता है, but generally it is not accompanied by accompanied by wall formation and as a result क्या होता है कि ये जो nuclei आपको दिख रहे हैं they remain free, nuclei remain free। nuclei क्या होते हैं, इनके wall formation नहीं हो रहा है, इस वजह से इनके nuclei कैसे होते हैं, free होते हैं and in the later stages they may be separated by walls। न्यूक्लियाई क्या होता है, पुश कर दिया जाता है एक साइड में। ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा है, न्यूक्लियाई इज बीइंग पुश्ड
nuclei is being pushed towards a side and as a result क्या होगा, एक बहुत बड़े लार्ज सेंट्रल वैक्यूम का फॉर्मेशन होता है. एज ए रिजल्ट लार्ज सेंट्रल वैक्यूम इज फॉर्म. तो दिस ऑल लेट्स टॉक अबाउट द न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म एंड द एग्जांपल्स आर एग्जांपल दिए के लिए एग्जाम में पूछा जाता है प्राइमुला और मालवा. बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है. मालवा किस फैमिली को बिलोंग करता है? मालवा बिलोंग्स टू विच फैमिली? एनीबडी जिसे भी आता है बताए अनम्यूट करके. मालवेसी फैमिली को बिलोंग करता है और इसी के नाम पे फैमिली का नाम रखा गया है मालवेसी. इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टाइप जेनेरा. क्या कहते हैं? टाइप जेनेरा. टाइप जेनेरा जब आप लोगों को टैक्सोनॉमी वाला पेपर पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था जब जेनेरा के नाम पे फैमिली का नाम रख दिया जाता है दैट जेनेरा इज नोन एज टाइप जेनेरा. हेलोबियन टाइप का एंडोस्पर्म होता है. इट इज इंटरमीडिएट. ये इंटरमीडिएट टाइप का
न्यूक्लियर और सेलुलर. बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. तो यहां पर आपको क्या होगा, कुछ कैरेक्टर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के दिखाई देंगे और कुछ कैरेक्टर सेलुलर एंडोस्पर्म के दिखाई देंगे. इसीलिए इसे इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म भी कहते हैं. यहां पर क्या होता है, जो फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन में ट्रांसवर्स वॉल का फॉर्मेशन होता है. जो पहला डिवीजन होता है वहां पर ट्रांसवर्स वॉल का फॉर्मेशन होता है, और जब ट्रांसवर्स वॉल का फॉर्मेशन होता है तो एज ए रिजल्ट यहां पर फॉर्मेशन होता है दो चैंबर का. कितने चैंबर बनते हैं, दो चैंबर बन जाते हैं. कौन कौन से देखिए, एक होगा माइक्रोपाइलर चैंबर और दूसरा होगा चैलेंजर चैंबर. तो जो पहला ट्रांसवर्स वॉल का फॉर्मेशन होता है एज ए रिजल्ट माइक्रोपाइलर चैंबर एंड चैलेंजर चैंबर्स आर फॉर्म, और उसके बाद के जितने भी डिवीजन है माइक्रोपाइलर चैंबर और चैलेंजर चैंबर का जब फॉर्मेशन होता है उसके बाद जितने भी डिवीजन होंगे दे आर फ्री न्यूक्लियर. इस टाइप के डिवीजन होंगे, उसके बाद के डिवीजन कैसे होंगे, दे आर फ्री न्यूक्लियर टाइप. यानी कि अब फ्री न्यूक्लियर टाइप हो रहा है यानी कि वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा. यहां पर देखिए एक बार वॉल का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद फिर वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. इसी वजह से हेलोबियन टाइप का जो एंडोस्पर्म होता है इट इज नोन एज इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. स्ट्रक्चर चलिए बना लिया है, बहुत आसान है. बनाइए साथ में. एक बार वॉल आपको दिखानी है, यहां पे दिखा दीजिए, और बाकी जो न्यूक्लियाई है वो क्या रहेगी, दे रिमेन फ्री न्यूक्लियर. ऐसे बना दें. तो ये हो गया हेलोबियन टाइप का एंडोस्पर्म. एंड एग्जांपल पहले ही हमने बता दिया कि कहां पे पाए जाते हैं, ऑर्डर हेलोबियस के जो मेंबर होते हैं वहां पर आपको हेलोबियन टाइप का एंडोस्पर्म दिखाई देगा. तो ये दो हो गया एंडोस्पर्म के बारे में. नाउ आपके सिलेबस में मेंशन है नेचर ऑफ एंडोस्पर्म. नेचर ऑफ एंडोस्पर्म क्या है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है. नेचर ऑफ एंडोस्पर्म में आपको केवल ये बताना है कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता कैसे है. तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन तो हमने पहले ही बता दिया था आप लोगों को जब डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा दिए थे, लेकिन आज फिर से बता दे रहे हैं नेचर ऑफ एंडोस्पर्म. नेचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं. आप लोगों को जो सिलेबस में है वो आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में स्टडी करना है. देखिए वन पॉलिन ग्रेन क्या बनाता है, टू मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है. एक पॉलिन ग्रेन से दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है. एम्ब्रियो सैक में पाया जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस या इसे कह सकते हैं कि टू पोलर न्यूक्लियाई. ये किससे फ्यूज करेगा, वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेस विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस और टू पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. क्या बनाता है, प्राइमरी
एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है एंड दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर. क्या बनाता है? इट फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज एंडोस्पर्म. तो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो बनता है वो क्या होता है? वही क्या होता है? वही एंडोस्पर्म होता है. अब उसके बाद हम कुछ लास्ट ईयर के पेपर्स हमने देखा तो उसमें कहीं कहीं पे पूछा है मोजैक एंडोस्पर्म. मोजैक एंडोस्पर्म क्या होता है? जान लीजिए मोजैक एंडोस्पर्म क्या है. इन सम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स देयर इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको यूनिफॉर्मनेस नहीं दिखेगी, यानी कि लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द एंडोस्पर्म स्ट्रक्चर. तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वहां पर आपको कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा? वहां पर आपको पैच लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा या मोजैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा विच इज नोन एज मोजैक एंडोस्पर्म एंड इट इज बेस्ट स्टडीड इन केस ऑफ जिया मेज. जिया मेज के केस में इसे देखा गया है. जिया मेज यानी कि भुट्टा. इट बिलोंग्स टू फैमिली ग्रैमिनी. यहां पर आपको मोजैक एंडोस्पर्म दिखाई देगा. तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. अब अगर कुछ पूछना है आप लोगों को तो पूछ लीजिए. इफ एनीबडी हैव एनी क्वेरी देन आस्क.